पड़ोसी मुल्क कहना नहीं चाहिए, ये हमारा पड़ोसी कमीना मुल्क पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों द्वारा हमको डैमेज करने का प्रयास कर रहा है साथियों। जबकि पाकिस्तान की औकात यह है कि हमारे भारतवर्ष की 125 करोड़ जनता पाकिस्तान के धरती पर एक साथ उतर जाए तो ये दूर वहां खड़ा रहने की जगह नहीं मिलेगी साथियों, वहां खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार हमको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे विभाग उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम समाज में आपसे प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बना के रखें और देश के नेता, देश की सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना सब सक्षम है, वो अपना काम करेंगे। किसी भी सभ्य समाज के लिए 3 बातें जरूरी हैं, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार। जिस परिवार में अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का कार्य चल रहा है और अच्छी शिक्षा देने का, तो निश्चित ही वो परिवार एक सफलता की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जब ये दोनों बातें होंगी तो सुरक्षा की भावना अपने आप आपके अंदर निर्मित होती है। और रही बात देश की सुरक्षा की बात, तो देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, उसकी हमको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आपको जिक्र करना चाहता हूं, आज समाज के अंदर कुछ विघटनकारी शक्तियां जाति पात और खास तौर पे मजहब की बातें उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं। मैं एक बात कहता हूं कि आजादी की लड़ाई में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान दोनों जन ने कसम खाई थी कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 20 साल की सजा हुई और अशफाकउल्ला खान को 14 वर्ष की सजा हुई। अब अशफाकउल्ला टेंशन में आ गए कि भाई मेरा तो साथ छूट जाएगा, आगे क्रांति की लड़ाई कैसे होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। उन्होंने जज से कहा कि सर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी सजा 20 साल कर दी जाए। जज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आपका अपराध कम है, आपको 14 साल की सजा होगी। धन्य है वो भारत का प्रेम, अशफाकउल्ला को लगा कि अब क्या करूं और वो कूदे चेंबर से और गए, जज को 1 लाफा उन्होंने रसीद कर दिया। जज गुस्से में आया, उनकी सजा 20 साल कर दी। तो वो दोनों जन 20 साल तक जेल में साथ रहे और लगातार 20 वर्षों तक वहां अंदर बैठ के रणनीति तैयार करते रहे। ये हिंदू और मुस्लिम का प्रेम था साथियों, और ये प्रेम बरकरार रहना चाहिए। कोई हिंदू कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, जो पीड़ा सूल सहता है वही रसखान कहता है, जो पीड़ा सूल सहता है वही रसखान कहता है। कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, जो पीड़ा सूल सहता है वही रसखान कहता है। अरे जलाते क्यों हो, जलाते क्यों हो हमें मजहब की आग में? हमारे रगों में हिंदुस्तान बहता है, हमारे रगों में हिंदुस्तान बहता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। क्या आजादी की लड़ाई का स्वप्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम सारे क्रांतिकारी, महात्मा गांधी ने यह देखा था कि अंग्रेज सत्ता के गलियारे से चले जाएं और दूसरे सत्ता के दलाल आके बैठ जाए सत्ता में? नहीं, ऐसा कतई नहीं था। उन्होंने यह स्वप्न देखा था कि आजादी लोगों के विचार में आए, लोगों के आचार में आए, देश का हर नागरिक समान हो, आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो और भारत अविभाज्य हो, टुकड़ों में न बटे। ये सही माने में आजादी है। और जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय बन जाएंगे उस दिन सही में आजादी प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा होगा साथियों। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी वक्ता बोल चुके हैं। रही बात
मैं सामाजिक एकता महासंघ की तरफ से आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब इस सामाजिक एकता महासंघ के पदाधिकारियों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दें और एक पावन विचार लेकर इस संस्था का गठन किया जा रहा है। और निश्चित ही अगर आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद मिला तो ये संस्था आने वाले समय में सामाजिक प्रेम, एकता और भाईचारे के निर्माण में एक सेतु का काम करेगी साथियों। और जैसे ही संस्था कुछ बलवती होगी, कुछ मजबूत होगी, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए, निराकरण के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन रचनात्मक